जिसमें हमने देखा कि पुलिस ने जो है वो मोटरसाइकिल के खिलाफ निकालने या तारें काट दी ताकि वो मोटरसाइकिल निकाल ना सके। तो ये हमने हाईलाइट किया है और हमने गुजारिश की है AIG कराची से कि हम चाहते हैं कि कराची की आवाम की जो पुलिस के साथ मोहब्बत है, जो कराची की आवाम पुलिस की इज्जत करती है, वो बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि कराची की आवाम इन सारी हरकतों की वजह से जो है वो पुलिस से नाराज़ हो। तो उसमें AIG साहब की तरफ से बताया गया है कि ये जो वाक़ियात तीन मुर्गा बनाने के, टायर में से हवा निकालने और बदतमीजी के, ये एक अपराधी वाक़ियात है। जिन SHOs ने या जिन पुलिस अहलकार ने ये किया है वो उन्होंने बताया कि हमने उनको खुद बुलाया है और ये कहा है कि ऐसी चीज़ें ना हों। तो देखिए, कराची की सियासी जमात होने की हैसियत से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम के जो मसाइल रोज़ाना की बुनियाद पर बना रहे हैं उनको हम जगह जगह पर जाके हाईलाइट करें ताकि वो चीज़ें वापस ना हों। एक और बहुत बड़ा मसला है कराची का कि हमने देखा है कि पुलिस ने जो है वो नाके लगाए हैं और नाके इस तरीके से बैरियर लगाए हैं कि दो बैरियर सीधे हाथ पे, दो उसके दरमियान में, बीच में एक गाड़ी की जगह की जाने की रास्ता है। उससे क्या हो रहा है कि आवाम को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जमा होती जा रही है, मोटरसाइकिलें बढ़ती जा रही है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो ख़त्म होती जा रही है। तो वो हमने पुलिस के, कराची के पुलिस चीफ से रिक्वेस्ट की है कि इस बात का आप नोटिस लें कि शहर के जो नाके लगे हुए उन नाकों की वजह से फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है। तो वो उन्होंने बिल्कुल कंसिडर किया, उन्होंने कहा कि नहीं, दोनों चीज़ें जो थी ये गलत थी, ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा अहम मसला है कि आप सहाफ़ियों ने भी इसको नोट किया होगा कि लॉकडाउन अगर आप देखें तो डिफेंस में, क्लिफ्टन में, शारे फैसल में, नाजमाबाद में, मतलब जो खुले बड़े बड़े रोड हैं वहाँ पर आपको लॉकडाउन मेन रोड के ऊपर नज़र आएगा। लेकिन अगर आप आबादियों के अंदर चले जाएँ, कच्ची आबादियों में चले जाएँ, तो वहाँ पर लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पर उसी तरीके से लोगों के अंदर जो है ना, आप देखेंगे कि बच्चे खेल रहे कूद रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं। तो वो जो एक सिलसिला शहर में आधा तीतर आधा बैठे वाला सिलसिला, कहीं पर कुछ और काम हो रहे हैं, कहीं पर कुछ और काम हो रहे हैं। तो ये भी हमने हाईलाइट किया है।